तो फ्रेंड हमारी आकृति लाई है बर्थडे गिफ्ट, तो देखिए अपनी हैंड क्राफ्टिंग करके बनाई है उसने। वो देखो इतना बेहतरीन वाला, और हमारा बेटे आर्यन का ऊपर गिफ्ट है, नीचे आर्यन अवे गिफ्ट है, और बकाया सब आकृति बनाया है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आपका फुल वीडियो देखना है तो जल्दी से इस लिंक पड़ा हुआ वीडियो देखिए बर्थडे वाला। क्यों कर दी वीडियो देख लो और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आइयो, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे नए ब्लॉग में बहुत स्वागत है। तो आप सभी के लिए आज है सरप्राइज, क्योंकि मेरे लिए भी सरप्राइज हो चुका था। अभी मैं घर पे आया था तो मुझे पता चला कि बच्चों ने कुछ सरप्राइज रखा है हमारे लिए, तो आपको हम दिखाते हैं। तो अभी सुबह से मैसेज आ रहे हैं हमारे बर्थडे के, पर बच्चों भी ने कुछ नहीं मिस किया सुबह से, तो मैं बहुत ही मायूस हो रहा था। पर अभी मालूम चला है कि बर्थडे की पूरी तैयारी बच्चों ने कर ली है, वो सरप्राइज था। तो अभी व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आ रहे हैं, फेसबुक पे हमारे जितने भी बड़े अधिकारी हैं सभी लोग विश कर रहे हैं। संजय सिंह अलीगढ़ SSP साहब, DK सिंह SSP साहब अयोध्या, और बुलंदशहर के अधीक्षक, अभी मैनपुरी के अधीक्षक थे, काफ़ी मैसेज आए हैं। सभी को हमारा प्रणाम, नमस्कार, अपना आशीर्वाद। सभी हमारे बड़े अधिकारी अपना बनाए रखें। तो हमारे BL मीना सर, उनका भी मैसेज आया था। सभी हमारे बड़े अधिकारी बहुत ही अच्छे हैं, अपना प्यार देते हैं। तो मैं ऑफिस से आया था अभी, बिल्कुल देखा तो बच्चों ने पूरी बर्थडे की तैयारी कर रखी थी। मुझे क्योंकि मैं अच्छा ही लगता है मुझे बर्थडे मनाना अपना, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके बर्थडे इन्जॉय करने में मज़ा मुझे लगता है आता है। तो बच्चों ने अभी कुछ तैयारियाँ की हैं, आपको हम दिखाते हैं। पर कोई बात नहीं, जब केक लाए हैं तो काटेंगे भी हम। तो हमारी YouTube फैमिली, आप हमेशा अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो हम अभी केक काटने वाले हैं, आपको हम दिखाएंगे कि बच्चों ने हमारी कैसी क्या तैयारी की है। तो चलते हैं भाई, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या अभी ने तैयारी की है। आकृति देखो पीछे घूम रही है हमारी, देखो आ गई है, कहा हाय बोल रही है। आप कमेंट में करना कि आकृति ने क्या क्या सरप्राइज रखा है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं हम कि देखो क्या क्या अंदर हो रहा है। सो फ्रेंड देखिए, अभय ने बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की है बर्थडे की। तो थैंक यू बेटा। ये देखो हमारे साथ SS माधवीया जी और राष्ट्रीय सचिव उनके हैं, नीचे हमारे चंद्रमान तिवारी जी हैं जो हमारे प्रांतीय सचिव हैं, GDS यूनियन के नेता हैं और बड़े वाले। तो आपको हम दिखाते हैं अपना केक। तो वीडियो हमारे बने रहना, अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए कुछ इस तरह हमारे बच्चों ने तैयारी की है बर्थडे। बच्चों की इच्छा से बनता है, मुझे कोई खास नहीं थी। देखो मम्मी तो भी खुश हो रही है। ये सब जो बनाया है अभी ने बनाया है। पर मुझे तो पता नहीं था, मैं तो अभी आया हूँ। बच्चे बड़े होते हैं तो अपने बर्थडे का कुछ महत्व तो नहीं रहता है, पर ऐसे महसूस है कि बर्थडे क्या होता है अपने बच्चों को पहले समझते रहो, उसकी नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए, पढ़ाई लिखाई, बस ये हमारे जीवन था। पर बच्चों 17 अगस्त को, पर मैं सोचा भी था कि बच्चे हमारे लिए इतना प्यार करते हैं, पर क्या करें, भगवान कृपा होती है, जैसे ही माता पिता की सेवा करो वैसा ही फल मिलता है। तो कुछ ऐसी व्यवस्था की है और आपको दिखाने वाले हैं अपना केक हम, क्योंकि आकृति अवै लाए, आकृति अवै बता मनी जो उन्हें मिलती पकड़ मनी उससे लाए हैं। तो हमारे अच्छे बच्चे हैं, थैंक यू बेटा हमारा आ गए अवै आकृति। तो हम बहुत क्या करते हैं, ये रही हमारे आकृति, बताओ क्या बोलोगे। कैसे लाए थे, कहाँ से लाए थे? और सरप्राइज था, बताया भी नहीं। मम्मी को भी नहीं। तो फ्रेंड मैं सुबह उठा था तो
मुझे पता भी नहीं था बच्चे इतना बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। तो मैं सुबह उठा, मैंने कहा किसी ने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, पर फेसबुक पर मैसेज आया, उसमें लिखा था हैप्पी बर्थडे। तो सबसे पहले हमारे मैसेज दोस्त का आया था कानपुर के शशांक में, उन्होंने मैसेज किया था शशांक भाई ने। तो थैंक यू शशांक भाई, तो इतने सारे मैसेज आ रहे, तो मैं सोचा तो आज तो मुझे किसी कोई भी घर पर विश नहीं किया है। तो देखो बहुत ही ख़राब लग रहा था, पर बच्चों ने हमारी इतनी अच्छी प्लानिंग कर रखी थी तो बर्थडे की आज बहुत बड़ी मुझे खुशी मिली है। तो थैंक यू आवाज़ की। तो फ्रेंड्स सुबह से इतने मैसेज फेसबुक पे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, सभी को धन्यवाद। बड़ों के लिए चरण स्पर्श, सभी अपना पैसे प्यार बनाए रखना। तो आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतनी खुशी पिछले वाले बर्थडे पर नहीं हुई थी, वो भी बच्चों ने ही जबरदस्ती बर्थडे हमारे मनवाया था। और वीडियो पड़ी हुई आप देख सकते हो। तो अभी देखो हमारा केक लिए बैठा है, अकृति बहुत खुश हो रही है कि सरप्राइज दिया है पापा को, केक काटने वाले हैं। तो आप लोग सभी लोग आ जाइए और बर्थडे विश कीजिए। कुछ लोग अपने अभी वीडियो डाली थी एक शिवानी वाली, तो कभी काफ़ी लोग हेट कर रहे हैं। जो अकृति, मैंने आपसे कुछ कहा था कि शिवानी के लिए कुछ बोलो, आप जब उनके घर पे गई थी तो आपने कुछ देखा होगा भाई, तो बोल रही हो, बताओ एक्सपीरियंस। ऐसा रहा कई बार नहीं, हम लोग 700 किलोमीटर से चल के आए थे, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मिल जाएंगे हमको और उनके परिवार ने हमसे कोई अच्छी बात नहीं की है। काटने जा रहे हैं, अबे तैयारी कर ली है पूरी केक की, देखो केक कितना अच्छा अबे लाया है। तो अबे हमारा बेटा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही देखो मस्त है, सीधा रहता है, पर कभी कभी बात नहीं मानता है तो अच्छा नहीं लगता है। आखिर तुझे इतनी खुश हो रही है, पर आप सभी लोग भी आ जाइए, हम लोग केक काटने जा रहे हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना, ऐसा ही प्यार बनाए रखना। आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो, हमारी फैमिली हो, सभी अपना प्यार बनाए रखना। तो देखो क्या कह रही है आकृति कान में, कुछ सरप्राइज था गिफ्ट में, सरप्राइज तीन चार से बता रही थी मम्मी कि गिफ्ट कुछ ने लेकर रखा था पर भूल गई थी कि ये भी सरप्राइज इतना बड़ा करेंगे। तो केक देखिए आप कैसा लग रहा है, तो कमेंट में लिखिए कि केक आपको चॉकलेट वाला पसंद है या पाइनएप्पल वाला। तो अगर वो चॉकलेट वाला केक बहुत पसंद है इसलिए वो लाया है चॉकलेट वाला, आकृति को पाइनएप्पल वाला पसंद है तो हम एक पाइनएप्पल वाला भी केक लाए हैं, वो आपको दिखाएंगे, वो आकृति की पसंद थी। तो इसलिए मुझे पता नहीं था कि ये मैंने केक ले लिया है, तो हमने सोचा था ऑफिस में केक हमारे काटा गया था तो एक पाइनएप्पल वाला केक सभी ऑफिस वालों ने मुझे दिया था, तो भैया हम घर पर ले आए थे पाइनएप्पल वाला केक, तो आपको दिखाएंगे आकृति की पसंद का केक आ गया है। तो खुश हो रही है, मैंने रिवील कर दिया केक में छुपा के लाया था आकृति के लिए, ये आकृति को बहुत अच्छा लगता है। चलो फाइनली हम लोग अब केक काटने जा रहे हैं, तो अपना प्यार इसे बनाए रखना। तो हम लोग केक काट रहे हैं, तो आप लोग भी आ जाइए, देखो चाकू कितना प्यारा है। अभी हम लोग केक काटेंगे और अभी सभी को हम मिस कर रहे हैं जो हमारे साथ नहीं है। चलो केक काटते हैं उसमें, आकृति आ जाओ ये काटवा जी, हम ये काट रहे हैं। तो सबसे देखो प्यारा आवे वाला केक है जो कि अवे लाया है, पाइनएप्पल वाला तो अच्छा नहीं है, इसके प्रिकॉशन बहुत अच्छी है। हैप्पी बर्थडे, देखो आकृति क्या कर रही है, गजब सो ब्यूटीफुल इन हैंड क्राफ्ट माय आकृति लाया है बेटा, कुछ गिफ्ट
फ्रेंड हमारा अब ये देखो सेल्फी ले रहा है गिफ्ट की, और आकृति हमारी सेल्फी ले रही है गिफ्ट की कि अपनी यादें बनी रहे सेल्फी में। ये फोटो प्यार खींच के देखो हमारी आकृति हमारे केक खिला रही है हमको, वो भूल गई थी गिफ्ट लेने चली गई थी, तो अभी केक हमने भी नहीं खिला पाया था उसको। तो अब देखिए ये देखो हमारी आकृति ने बनाया हैंड क्राफ्टिंग। हमारी आकृति गिफ्ट कैसा लगा आप लोग बताइए कमेंट में लिखिए। तो ये देखो हमारे छोटे बेटे आर्यन का गिफ्ट है, उसको हम बहुत मिस कर रहे हैं, वो चला गया है घर पे गांव में। तो आकृति का देखो कितना प्यारा गिफ्ट है, वो अभी खोलने वाली है। तो अभी देखो सबसे पहले कौन गिफ्ट रिवील करता है अपना अपना खोलने वाले हैं। ये देखो सबसे बड़ी मुझे हैंड क्राफ्टिंग वाली है, इसे हिंदी में कहते हैं डलैया, इसे सभी लोग रखते हैं बास्केट कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो सभी लोग आप कमेंट कीजिए आपको कौन सा गिफ्ट प्यारा लगा, हैंड क्राफ्टिंग वाला या जो अभी हम खोलने वाले हैं वो वाले गिफ्ट। तो अभी देखिए सब लोग अभी गिफ्ट ओपन हम अभी तो इस वीडियो में करने वाले हैं नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में गिफ्ट आपको दिखाएंगे उसे क्या क्या मुझे गिफ्ट मिला ओपन करेंगे, ओपन वाला वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। तो आप अभी देख लीजिए अलग हैंड क्राफ्टिंग वाली बास्केट की बहुत ही प्यारी लग रही है। तो आप सभी से एक निवेदन है, देखिए एक छोटे बेटे का हमारा गिफ्ट है, और ये देखो हमारे अभय का जो अभय है उसने गिफ्ट दिया था, उसके बाद हमारी आकृति का, ये हमारी आकृति का गिफ्ट है। तो वीडियो कुछ हो रहा है लंबा, तो हम सोच रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हम गिफ्ट ये खोलकर दिखाएंगे क्यों आकृति ये ठीक रहेगा फ्रेंड्स, पूरी आपको वीडियो मिल जाएगी गिफ्ट ओपनिंग की, तो वो जल्दी आ जाएगी, तो देखना मत भूलना। तो फ्रेंड हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे गिफ्ट ओपनिंग वाली। तो आज की डेकोरेशन आपको कैसी लगी तो कमेंट में जरूर लिखना, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया था कि हमेशा अपनी यादें हम जोड़े रहें, कि पुराने ज़माने में देखो जो सीडी कैसे चलती थी वो भी ख़राब हो जाती थी, और हमेशा उसमें रिकॉर्ड रख करके हम लोग रख नहीं सकते थे, पर एक हमारा यूट्यूब अच्छा फ्रेंड बन चुका है जिसे प्यारा दोस्त, उसमें हमेशा अपनी रिकॉर्डिंग उसमें रिकॉर्ड करके रख सकते हो। और इंटरनेट की दुनिया है, सभी लोग स्वस्थ रहिए मस्त रहिए। अब हम वीडियो की एंडिंग करने वाले हैं, जय हिंद जय भारत। और इस चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।